धूमधाम से होना चाहिए। ये हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष है, उन्होंने कमेटी के सभी लोगों ने उसमें हिस्सा लिया है और ये हमारे लिए बड़ी अच्छा दिन है, शुभ दिन है, इसलिए आज प्रोग्राम होने जा रहा है। उसी के सिलसिले में मैं यहाँ पे आया। सर, कल सीएम ने एक स्टेटमेंट दिया है कि नॉर्थ गोवा का सीट 1 लाख के मार्जिन में और साउथ गोवा का सीट 60,000 के मार्जिन पे, आपका क्या कहना सर? अभी घोड़ा मैदान साफ है, कोई क्या कुछ भी हवा निकलते अपने मुँह से, वो कोई सच्चाई नहीं है। वो तो सीधे सीधे हमने तो एक सीट जीत लिया था और दोनों सीट कांग्रेस पार्टी अच्छे वोटों से जीतेगी। नॉर्थ गोवा साउथ गोवा दोनों सीट पर आपको कॉन्फिडेंस 100% है? 100% कॉन्फिडेंस है, जीतेंगे, पार्लियामेंट जीतेंगे, उसके बाद असेंबली भी जीतेंगे। सर, कहीं पे कल सीएम ने अनाउंसमेंट भी किया कि कैंपेनिंग जो है लोकसभा का, हाँ उल्टा बोलेगा, हम भी जीतेंगे। कांग्रेस जीतेंगे तो अच्छी बात है ना, उन्होंने अगर कहा सीएम ने तो उनको अंदाजा तो आ ही जाता है कि भाई कांग्रेस पार्टी जीतेगी या उस तरीके से माहौल है तो कांग्रेस पार्टी जरूर जीतेगी, 100% कांग्रेस पार्टी यहाँ पे जीतेगी। सर, कल सीएम ने ये भी डिक्लेयर किया कि बीजेपी का कैनवेसिंग जो है वो कल से चालू कर दिया उन्होंने, आपका कांग्रेस का क्या सिचुएशन है सर? कभी से तैयारी चालू होगा, कभी से कैनवेसिंग होगा, कभी से कैंडिडेट्स फाइनलाइज होंगे, उसके ऊपर कुछ विचार हुआ है? बूथ लेवल पे काम चालू है, वो जो भी असेंबली लेवल पे है, पार्लियामेंट लेवल पे है, सब वार रूम भी बनाई है, सभी सोशल मीडिया है, प्रिंट में सभी प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसके लिए भी अलग से हमने कुछ लोगों का चयन किया है, उनके माध्यम से बड़ी अच्छी तरीके से प्रचार होगा, जनता के हित में कांग्रेस पार्टी काम करेगी। आपका ट्रैक रिकॉर्ड है सर, जहाँ पर आप आए हो कांग्रेस हमेशा जीत के आई हुई है, तो गोवा के लिए आपको मालूम है कि तेलंगाना जैसे प्रदेश में जहाँ 5 सीटें थी वहाँ 56-65 सीटें वहाँ पर कांग्रेस पार्टी जन सांगले की काँग्रेस पक्षाची तयारी ही अजा पहिली चालू झाली असा। आम्ही ऑलरेडी 2 राउंड आमचे झाले प्रत्येक मतदारसंघात, प्रत्येक ब्लॉकात वचून त्यांच्या किडारांक मेळप, बूथ संघटना बांधप, आणि जसे आमचे इंजिनियर सांगले की आमचा वॉर रूम सेटअप झाला, सोशल मीडिया इज इन प्लेस, आणि जे आता कॅन्डिडेचर्स इलेक्चर्स स्क्रुटनी दॅट ऑल्सो प्रोसेस इज गोइंग टू स्टार्ट मे बी दिस मंथ एंडाक, आमची स्क्रीनिंग कमिटी ऑल्सो इज सपोज टू कम टू गोवा एंड द इलेक्शन प्रोसेस इज ऑलरेडी स्टार्टेड। आज ओपिनियन पोल डे, म्हाका दिसता समेस्त गोंयकारांक आज आमकां गर्व आसा, आणि आमची जर अस्मिताय जर तर ती राखून दवरली ती म्हाका दिसता हातून काँग्रेस पक्ष तशेंच जॅक सिकेर ह्या दोगांचें योगदान आसा। आणि आज एक उत्साह साजरो करपाचो दीस, कित्याक ओपिनियन पोल जावं नाशिल्ले जाल्यार आज आमचें गोंय जें अस्तित्व आसा तें उरचें नाशिल्लें। सो आज सांजचो आमचो कार्यक्रम आसा, आमचे इन्चार्ज मुद्दामूच त्या प्रोग्रामा लागून आयल्या, सो वी वील एड्रेस एंटायर गोवा सांजचे थंयसर। मुख्यमंत्र्यान उलटें सांगलां, तें मुख्यमंत्र्यान सांगलां की काँग्रेस पक्ष नॉर्थ गोवाक 1 लाख मतांनी जिखतलो आनी साउथ गोवाचे जे सीट आसा ते काँग्रेस पक्ष 60,000 जिखतलो, कित्याक साउथ गोवाक बीजेपीन 60,000 जिखपाचो प्रश्नूच येना, ते भाड्याचे पयले कितले हाडूं तो एक ऑलरेडी चालू जाला। सो म्हाका दिसता दे हॅव रॅटल्ड, आणि तुवें काल ज्या हिशोबान पयलें की हे सगळे काँग्रेसीचे जे आमदार पळय तुटून थंय गेल्या, तांची तुवें बॉडी लँग्वेज पळयत, खास करून नुवेच्या आमदाराची आणि मंत्र्याची, साफ दाखोवन दिता की बीजेपी दोनूय सिटां ह्या फावट पडटा।